बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, नामजद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ सेनेट की नशिस्त से मुसाफी हो गए हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से। जी अजहर आगाह कीजिएगा। जी निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज से पहले 3 बजे वजारत उज़्मा का हलफ उठा रहे हैं। हलफबरदारी की तकरीब ऐवान सदर में हो रही है। चुनाचे उनके हलफबरदारी से कबल ही सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा देना एक आईनी तकाजा था और इसी बिना पर उन्होंने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने उनका इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया गया है कि अनवारुल हक काकड़ जो है वो अपनी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक तफसीलात के लिए। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, नामजद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ सेनेट की नशिस्त से मुसाफी हो गए हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से। जी अजहर आगाह कीजिएगा। जी निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज से पहले 3 बजे वजारत उज़्मा का हलफ उठा रहे हैं। हलफबरदारी की तकरीब ऐवान सदर में हो रही है। चुनाचे उनके हलफबरदारी से कबल ही सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा देना एक आईनी तकाजा था और इसी बिना पर उन्होंने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने उनका इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया गया है कि अनवारुल हक काकड़ जो है वो अपनी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हो गए। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक तफसीलात के लिए।